अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर लर्निंग ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डेटाबेस को कैसे अटैच और डिटैच करते हैं एसक्यूएल सर्वर के साथ। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास ये एक डेटाबेस मौजूद है, मैं चाहता हूं कि मैं इसे डी अटैच कर दूं। तो कैसे आप इसे डी अटैच करेंगे? आपने क्लिक करना है इधर और फिर टास्क में जाना है, और टास्क में जाके आपको इधर नजर आ रहा है डी अटैच, तो इस पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर दें। तो आप देख रहे हैं ये डेटाबेस हमारे पास डी अटैच होगी। इसी तरह से अगर आप इसे दोबारा अटैच करना चाहते हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ, तो किस तरह करेंगे? आपने डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है और अटैच पे क्लिक कर देना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको उस डेटाबेस की लोकेशन नज़र आ रही है, किस जगह पे है। ये हमारा सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, सीक्यूएल सर्वर, और उसके साथ है उसके अंदर फोल्डर है हमारा डाटा। डाटा के फोल्डर के अंदर ये डेटाबेस मौजूद है। तो मैं उसे क्या करूंगा, उसके ऊपर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, और याद रहे इसका ये सिलेक्टेड पाथ है हमारे पास, और फाइल टाइप जो है ये वाली है डेटाबेस फाइल डॉट mdf, और इससे मैं ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करने के बाद इसको ओके कर दें, तो आप देखेंगे इजीली हमने इसको अटैच कर लिया है डेटाबेस को दोबारा से। तो इस तरह से आप बहुत इजीली डेटाबेस को अटैच कर सकते हैं, डी अटैच कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के साथ। तो ये था कि हम अटैच और डी अटैच कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियो लेक्चर मिलते रहें।